हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल श्याम ब्लॉग्स एंड एजुकेटर में। अब हम देखते हैं त्रिकोणमिति एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 कि बहुत सारे बच्चों को ये क्वेश्चन बहुत टफ लगता है, लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं, एकदम इजी है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी है तो दिखाइए कि एंगल ए बराबर बी होगा। तो जब भी त्रिकोणमिति की बात होती है तो हम जानते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल लिया जाता है जिसमें एक कोण 90 डिग्री होता है, बाकी दो कोण न्यून कोण ही होते हैं। लेकिन क्वेश्चन ने फिर भी दे दिया एंगल ए और बी क्या है, न्यून कोण है, ताकि बच्चे भ्रमित होके और डर जाए, है ना। ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। तो हम एक त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है, एक ही त्रिभुज में हम सारा देख लेते हैं। तो हम बना लेते हैं राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, दिया है एंगल ए और एंगल बी, तो ये तो 90 डिग्री होता है, पता है, सबको पता है। बाकी जो है दो न्यून कोण है, तो यहाँ दिया है एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है, तो हम इसको ए और बी मान लेते हैं, एंगल ए और एंगल बी मान लेते हैं, इसको हम सी मान लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है क्या कि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे कॉस ए बराबर है कॉस बी, ठीक है। तो हम देखते हैं कॉस ए बराबर, तो कॉस ए कहने का मतलब है कि एंगल ए से हम देखते हैं, ठीक है। तो एंगल ए से देखेंगे तो कॉस ए बराबर मेरा हो जाता है, कॉस ए बराबर होता है बी बाई एच, यानी कि आधार बट्टे कर्ण, बहुत ही इजी है, ठीक है। तो इसके लिए एंगल ए के लिए देखेंगे आधार इसका कौन होगा, यहाँ से देखेंगे तो इसके लिए आधार हो जाएगा क्या, ए सी, ठीक है। और कर्ण इसका हो जाएगा, कर्ण तो सबसे बड़ी भुजा होता है, तो कर्ण ए बी ही रहेगा, कर्ण में कोई परिवर्तन नहीं, ठीक है। और कहता है कॉस बी, अब कॉस बी के लिए हम एंगल बी से देखते हैं, यहाँ से देखेंगे तो कॉस बराबर बी बाई एच होता है, ठीक है। तो इसका बेस हो जाएगा बी सी, इसका जो संलग्न भुजा होता है उसका बेस होता है, तो संलग्न भुजा कौन है, बी सी, ठीक है। तो इसको लिखेंगे बी सी, और इसका कर्ण तो ए बी ही रहेगा, ठीक है। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं और इसको इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं, अब कह रहा है क्वेश्चन में कह रहा है कि कॉस ए बराबर कॉस बी है, कॉस ए बराबर जो है कॉस बी है, यानी कि ए सी बट्टे ए बी बराबर होगा बी सी बट्टा ए बी, ठीक है। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ए सी बट्टे में आ जाएगा बी सी, इधर कर देते हैं इसको, इसको इधर कर देते हैं, और इसको ए बी बट्टे में ए बी कर देते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं ए सी बराबर बट्टा में बी सी बराबर, दोनों कट जाएगा, एक हो जाएगा, इसलिए हम ए सी बराबर हो जाएगा बी सी, ठीक है। यानी कि ए सी भुजा और बी सी भुजा दोनों क्या है, आपस में बराबर, ठीक है। यानी कि एक त्रिभुज में दो भुजा बराबर है, इसका कहने का ये मतलब हुआ कि ये जो त्रिभुज है समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री है, जब दो भुजा बराबर है तो ये एंगल भी क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें भुजा ए सी और बी सी बराबर है, इसलिए हम कह सकते हैं कि एंगल ए बराबर होगा एंगल बी के, इस प्रकार ये प्रूफ हो गया, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 है तो, पहला क्वेश्चन है 1 + sin θ (1 - sin θ) बट 1 + cos θ (1 - cos θ) का मान क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ही आसान है और सेम क्वेश्चन है, जो लिखा वही आंसर है उसका है, सिर्फ थोड़ा सा उसमें ट्विस्ट है, ठीक है। तो देखते हैं पहला सॉल्यूशन क्या है, तो हमको देखने ही से लग रहा है, पहले क्वेश्चन नोट करते हैं, 1 + sin θ (1 - sin θ) बट्टा 1 + cos θ (1 - cos θ) तो हमको देखने से यहाँ कुछ फॉर्म दिखता है, a + b (a - b), ठीक है। तो a + b (a - b) होता है a² - b², ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं
ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर हो जाएगा वन का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर। इसी प्रकार वन प्लस कॉस थीटा इंटू वन माइनस कॉस स्क्वायर कॉस थीटा, तो लिख सकते हैं वन स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो एक का स्क्वायर तो एक ही होता है और साइन थीटा का स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसी प्रकार वन का स्क्वायर वन माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर होगा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और अब ये भी जानते हैं कि वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा, इसको हम लिख देते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, और वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ कुछ हम और देख रहे हैं इस क्वेश्चन में कि कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा, इसको इस प्रकार लिख सकते हैं कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा का होल स्क्वायर। और यहाँ एक चीज़ दिख रहा है कि कॉस बाई साइन, जो कि हम जानते हैं कॉस बाई साइन बराबर होता है कॉट थीटा, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं कॉट थीटा का होल स्क्वायर। और क्वेश्चन में कॉट का मान दिया हुआ है 7/8, ठीक है, तो कॉट का मान दिया है 7/8 का होल स्क्वायर, ठीक है, तो दिया है कॉट का मान दिया है, उसका सिर्फ स्क्वायर निकालना मेरा यही क्वेश्चन है, लेकिन झूठ को भ्रमित करने के लिए क्वेश्चन दे दिया 1 + sin θ / 1 - इस टाइप से कुछ दे दिया, इसको हम लिख सकते हैं 7/8 का होल स्क्वायर यानी कि 49/64, यही हमारा हो गया आंसर। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है कॉट स्क्वायर थीटा, क्वेश्चन तो वही दिख रहा है जो हमने बनाए अभी, तो उसमें हम देख ही रहे हैं, तो कॉट स्क्वायर थीटा कॉट का मान लिख देंगे 7/8 का होल स्क्वायर यानी कि 49/64 आंसर, सेम क्वेश्चन। इस प्रकार ये क्वेश्चन समाप्त हुआ।